प्यार से बुलाया शिवम लौट आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेकर पर्व जिंदगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लैक एडम मूवी के बारे में, जिस मूवी ने ज़्यादा अच्छा कमाई नहीं किया बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन हम करेंगे इसका वीएफएक्स ब्रेकडाउन और करेंगे चीज पर, आपको बताएंगे कैसे किया गया इस फिल्म में, शूटिंग कैसे हुई, कैसे ब्लैक एडम में द रॉक उड़ रहा था और कैसे इस फिल्म में अलग अलग चीज़ों को क्रिएट किया गया। तो क्या करें, शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सीन है जहाँ पे कि ब्लैक एडम अपने हाथ में मिसाइल पकड़ रहा था, तो ये मिसाइल भी 3D मॉडल वाला, समझ लो इन्होंने इतनी भी मेहनत नहीं की कि एक असली मिसाइल, मतलब कि एक असली जैसी दिखने वाली मिसाइल को इसके हाथ में पकड़ा दे। सोचिए यार, मैं तो एक्टर को ही ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, असली मिसाइल कहाँ से लाएंगे बेचारे। तो ये एक असली जैसे दिखने वाली मिसाइल भी नहीं बनाई, सोचा सब कुछ भी फिर उसको संभाल लेते, हंसी होने का देख रहे हो तो बहुत हंसी हो रही है। पर धमाका है वो तो पूरा वीएफएक्स का है ही, और साथ में जो हेलीकॉप्टर का जो सीन है वो हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब वीएफएक्स बना गया। और यहाँ तक कि जो यहाँ पे एनवायरनमेंट आप देखो, जो पहाड़ वहाड़ देख रहे हो, इन सबको भी वीएफएक्स की मदद से यहाँ पे लगाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स नीचे। ये ध्यान से देखो, ध्यान से नहीं ये लाइक बटन है, लाइक बटन को भी दबा दो। उसके नीचे आप देखोगे जहाँ पे सब्सक्राइब दिया है, वहाँ पे सब्सक्राइब करके उसके नीचे आप देखोगे तो कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ चले जाओ कमेंट बॉक्स में। और अब हम बात करते हैं अगले सीन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एक अगला सीन है जिसमें आपने देखा कि द रॉक जो प्लेन से भागने वाले होते हैं, जो कि रहते हैं प्लेन से भागने वाले भगौड़े, उनको पकड़ के द रॉक जहाँ पे पीट रहा है, वो जो जगह है वो भी पूरा 3D मॉडल से बनाया गया। और ये जो लोग हैं, इन लोगों को भी 3D मॉडल से, इन लोगों का जो प्लेन है वो 3D मॉडल से बनाया गया, और कहीं कहीं इन लोगों को भी 3D मॉडल से बनाया गया। मतलब जो ये लोग हवा में उड़ रहे हैं ना, वो ये लोग असली नहीं उड़ रहे, ये लोग 3D मॉडल की मदद से, मतलब 3D मॉडल उड़ रहा है ऐसा दिखाया जा रहा है, जैसे कि ये लोग उड़ रहे। तो यही बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं छोटी वीडियो इसलिए बना ताकि आप लोगों को समझ में आए और मजा भी आए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।